नमस्कार दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। सन न्यूज चैनल एक नया बेहतरीन हिंदी धारावाहिक का चैनल जो डीडी फिडिश के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर दिया गया है और डीडी फिडिश के दर्शकों को बिल्कुल फ्री में डीडी फिडिश पर देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में डीडी फिडिश के दर्शकों का पसंदीदा चैनल सन न्यूज चैनल होने वाला है। सन न्यूज एक नया मनोरंजन चैनल है। इस चैनल के सीरियल्स और प्रोडक्शन बेस्ट रहने वाले हैं और आपको बता दें कि सन न्यूज चैनल के सीरियल्स की क्वालिटी बिल्कुल बेहतरीन होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सन न्यूज चैनल के 3 ओरिजिनल सीरियल के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 नए ओरिजिनल सीरियल के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं कि तीनों सीरियल में एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, इसके साथ ही तीनों सीरियल की कहानी क्या होगी, इसके साथ ही तीनों सीरियल के प्रोडक्शन की भी बात करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोगों को डीडी फिडिश की अपडेट सबसे पहले हमारी वीडियो के द्वारा मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डीडी फिडिश के दर्शक सन न्यूज चैनल के तीनों ओरिजिनल सीरियल्स इश्क जबरिया, साझा सिंदूर और छठी मैया की बिटिया, इन तीनों ओरिजिनल सीरियल के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं। आगे वीडियो में इन तीनों ही सीरियल्स में जो एक्टर और एक्ट्रेस ने काम किया है उनके बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। आपको ये सारे शोज का मजा फ्री डिश टीवी पर भी मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले ओरिजिनल सीरियल इश्क जबरिया की, कि इश्क जबरिया सीरियल में किस एक्टर और एक्ट्रेस ने काम किया है और इश्क जबरिया सीरियल का प्रोडक्शन किसने किया है। इश्क जबरिया सीरियल में एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं जो इसमें लीड रोल में नजर आएंगे, सिद्धि शर्मा। जी हाँ दोस्तों, सिद्धि शर्मा इश्क जबरिया सीरियल में फीमेल लीड रोल में नजर आएंगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें एक्टर की तो एक्टर इसमें लक्ष्य खुराना है जो कि लीड रोल में नजर आएंगे। इश्क जबरिया जल्दी एक नए हिंदी मनोरंजन चैनल सन पर। अब बात करते हैं दूसरे सीरियल साझा सिंदूर की। सबसे पहले बात करते हैं साझा सिंदूर सीरियल में जो एक्टर और एक्ट्रेस ने काम किया है, पहले उनकी बात करते हैं। तो इस सीरियल में आपको स्तुति गोयल, साहिल उपल, नीलू बघेला और कृतिका देसाई जैसे कलाकार दिखाई देंगे। साहिल उपल को तो आप लोग जानते होंगे जो कि एक से बढ़कर एक हिट सीरियल दे चुके हैं और साहिल उपल के काफ़ी बड़े बड़े सीरियल आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर साहिल उपल के सीरियल की बात करें तो दिल से दिल तक सीरियल काफ़ी फेमस रहा है, आप लोग इस सीरियल को देखे भी होंगे। इसके साथ ही इनका जो दूसरा फेमस सीरियल है पिंजरा खूबसूरती का, और इस सीरियल में साहिल उपल जी काम किए हुए हैं, काफ़ी फेमस सीरियल रहा है और साहिल उपल जैसे कलाकार आपको साझा सिंदूर में भी देखने को मिल जाएंगे। साझा सिंदूर जल्द ही एक नए हिंदी मनोरंजन चैनल सन पर। अब बात करते हैं सन न्यूज के तीसरे सीरियल छठी मैया की बिटिया, जिसमें देवलीना भट्टाचार्य जी और वृंदा दहाल जैसे फेमस एक्ट्रेस ने काम किया है और ये दोनों ही एक्ट्रेस इस सीरियल में लीड रोल में नजर आएंगे। इन दोनों एक्ट्रेस की वजह से ये सीरियल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और डीडी फिडिश के दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। छठी मैया की बिटिया जल्द ही एक नए हिंदी मनोरंजन चैनल सन पर। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इन तीनों ही सीरियल्स में जो एक्टर और एक्ट्रेस ने काम किया है काफ़ी बड़े और फेमस हैं, जिन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन और फेमस सीरियल दे चुके हैं और वो सभी एक्टर और एक्ट्रेस अब आपको इन तीनों सीरियल में देखने को मिल जाएंगे। और आपको बता दें कि इस तरह के बेहतरीन और फेमस क्वालिटी के सीरियल्स आपको सन न्यूज चैनल पर भी देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही सन न्यूज की प्रोडक्शन क्वालिटी भी काफ़ी बेस्ट है जो दूसरे चैनल्स को भी टक्कर दे सकता है। अगर आपके सेटअप बॉक्स में सन न्यूज चैनल ऐड नहीं है तो आपको अपने सेटअप बॉक्स को रिट्यून करना पड़ेगा। और दोस्तों, सेटअप बॉक्स को कैसे रिट्यून करना है उसको भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको रिमोट के बटन में मेनू का बटन दबा देना है, उसके बाद एडिट प्रोग्राम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, एडिट प्रोग्राम में आना है, डिलीट ऑल प्रोग्राम के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके कर देना है।
तो जितने भी चैनल हैं वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद आपको प्रोग्राम सेटअप में आना है। देखिए ऊपर प्रोग्राम सेटअप है, प्रोग्राम सेटअप में आना है और नीचे यहाँ पे ऑटो स्कैन का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑटो स्कैन कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप ऑटो स्कैन करेंगे तो ऑटो स्कैन होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे जितने भी टीवी चैनल्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही जितने रेडियो चैनल हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, जितने भी टीवी चैनल्स हैं जो प्रसार भारती की तरफ से डीडी फ्रीडिश पर लॉन्च किए गए हैं वो सभी चैनल यहाँ पे आ जाएंगे। इसके साथ ही जो दूरदर्शन के चैनल हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो वेट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे जो ऑटो स्कैन है 100% कंप्लीट होगा तो जितने भी चैनल्स हैं वो सभी आ, तो सन न्यूज़ चैनल भी ऐड हो गया है। इसी तरह आप भी सन न्यूज़ चैनल को अपने सेटअप बॉक्स में रिट्यून कर सकते हैं। अगर आपके सेटअप बॉक्स में सन न्यूज़ चैनल ऐड नहीं हुआ है तो इसी प्रकार से आपको रिट्यून करना है, अपने सेटअप बॉक्स को ऑटो स्कैन करना है जिससे कि सन न्यूज़ चैनल आपके MPG2 बॉक्स में ऐड हो जाएगा और सन न्यूज़ चैनल के सभी ओरिजिनल सीरियल का आनंद आप ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।